सीएम उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर की संपत्ति पर ईडी ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद शिवसेना की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा ने कार्रवाई का समर्थन किया है। हालांकि उनके राज्य में कोई भी केंद्रीय एजेंसी बदले की भावना से राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन कैसे सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो चीजें नहीं है वे कैसे बनाई जा रही है, मायने यह रखता है कि उनके वकील मंत्रियों के साथ बैठकर हम सभी के खिलाफ कैसे साजिश करते हैं। इन नेताओं को यह देखना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को भी गलत कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि मोदी के राज्य में कोई गलत कार्रवाई नहीं हो सकती। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पानसी, बीसीएन न्यूज नागपुर। मैं एवढंच या संदर्भात सांगू शकेल की माननीय आमचे जे नेते आहेत मोदी जी, हे कधी सुडाचं राजकारण करत नाहीत, त्यामुळे किमान त्यांच्या राज्यामध्ये तरी कुठली सेंट्रल एजन्सी सुडाच्या भावनेने कुठलेही काम करणार नाही। मात्र त्याचवेळी या नेत्यांनी महाराष्ट्रातली परिस्थिती देखील बघितली पाहिजे, कशा प्रकारे प्रवीण दरेकरांवर कारवाई चाललेली आहे, नसलेल्या गोष्टी कशा तयार होत आहेत, कशा प्रकारे आमच्या सगळ्यांच्या विरुद्ध षडयंत्र यांचे वकील मंत्र्यांसोबत बसून तयार करतायत, या सगळ्या गोष्टी देखील महत्वाच्या आहेत। पण मला असं वाटतं की कुठल्याच केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, कोणीही चुकीची कारवाई करू नये। कारवाई ही जी काही योग्य आहे तीच झाली पाहिजे। आणि मी पुन्हा विश्वासानं सांगतो की मोदीजींच्या राज्यात चुकीची कारवाई होऊ शकत नाही।